गया पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। मोहनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। घटना में 5 लोग शामिल है। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। घटना है मोहनपुर थाना अंतर्गत गाँव लाडू है। वहाँ पर 19 तारीख की रात में एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना की जानकारी मिली थी। और एक शादी में वहाँ पर थी, वहीं पर गई थी बच्ची। और वहीं पर इस गांव के 5 व्यक्ति, विकास कुमार मांझी, विनोद मांझी, प्रकाश मांझी, राजेश मांझी, राहुल कुमार मांझी, ये 5 लोगों ने मिलकर उस नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को कारित किया। इस संबंध में यहाँ पर महिला थाना कांड संख्या 30/22 दर्ज किया गया था। और इसमें तुरंत इसको देखते हुए SSP गया के द्वारा टीम गठित की गई थी। उसमें DSP बोधिया के अंडर में उसको लगाया गया था। और उसमें शिशु महिला थाना प्रभारी और थाना प्रभारी मोहनपुर की टीम थी। इसको देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर इन्होंने 5 में से 3 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विनोद मांझी है, प्रकाश मांझी है और राहुल मांझी है। कांड दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर इन 3 को गिरफ्तार कर दिया गया है। और शेष 2 है वो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इन सभी को जो पीड़िता और अपराध कर्मी, इन सभी के जो कपड़े वगैरह थे जो भी, उनको सीज कर लिया गया है। FSL में हमने जाँच के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है। और कांड का निष्पादन हम लोग जल्दी से जल्द करा कर इसको स्पीड ट्रायल में चलवा। CDSP राकेश कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल की रात में मोहनपुर थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित बच्ची अपने रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP हरप्रीत कौर ने मामले के उद्भेदन के लिए विशेष टीम गठित की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 5 अभियुक्तों में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें विनोद मांझी, प्रकाश मांझी और राहुल कुमार मांझी को अब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर ली है। ये नाबालिग लग रहे हैं गिरफ्तार? नहीं, नाबालिग नहीं है, अपीयरेंस नहीं है, जो सही मेजर है। कुल 5 लोग थे? हाँ, कुल 5 थे। 5 एक्यूज, जिसमें पीड़िता ने 5 का नेम लेकर बताया। और उसमें से 3 अरेस्टेड है, 2 ही फरार है। इन लोगों के खिलाफ कहीं आपराधिक मामला भी दर्ज? अभी लोग पता करवा रहे हैं आपराधिक मामला, इतिहास के उन्होंने दिया है सभी थानों को। फिलहाल अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया किसी प्रकार की। बाकी ने वायरलेस किया, उसमें जैसे भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी उसमें ऐड करेंगे केस स्टडी। पुलिस का दावा है कि 2 अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।